लक्सर व्यापारियों ने लक्सर विधायक का पुतला किया दहन। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में छठ पूजा के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो जाने के बाद नगर में व्यापारियों ने रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। धरना प्रदर्शन 12 नवंबर से शुरू किया गया, लेकिन आज तक लक्सर के सम्मानित बीजेपी विधायक संजय गुप्ता धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचे। उल्टा धरने पर बैठे व्यापार मंडल के महामंत्री से लक्सर विधायक के गनर ने अभद्रता कर डाली, जिसके बाद लक्सर व्यापारी लक्सर विधायक संजय गुप्ता से बेहद नाराज हो गए हैं और उन्होंने आज धरना स्थल पर नारेबाजी करते हुए लक्सर विधायक संजय गुप्ता का पुतला जला डाला। गुस्साए व्यापारियों ने लक्सर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बताते चलें कि ट्रेन के चपेट में दो बच्चों के आकर मौत होने के बाद व्यापार मंडल धरने पर बैठा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि लक्सर विधायक संजय गुप्ता धरना प्रदर्शन कर हर हाल में खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अंडरपास का निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा। धरने पर बैठे व्यापारियों की मांग है कि जल्दी से जल्दी अंडरपास का निर्माण शुरू किया जाए, तब जाकर अंडरपास का निर्माण शुरू नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गुस्साए व्यापारियों ने संजय गुप्ता को देश का दलाल, देश का गद्दार बताया। इन लोगों ने कहा कि संजय गुप्ता लक्सर का विकास नहीं चाहता, लक्सर विधायक संजय गुप्ता नहीं चाहते कि अंडरपास का निर्माण हो। पिछले दो साल से लक्सर विधायक अंडरपास का निर्माण रोके हुए हैं, उन्हीं की वजह से अंडरपास का निर्माण नहीं हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि खानपुर विधायक ने अपनी विधानसभा को चमन बना डाला, लेकिन लक्सर विधायक लक्सर का विकास बैठे हैं। जो दो बच्चे हमारे अभी हाल ही में शहीद हुए हैं अंडरपास के लिए, अंडरपास होता तो शायद वो हादसा ना होता। उसी हादसे को देखकर हमने यहाँ पर एक धरना रखा, हमने अनशन भी शुरू किया। आज पाँच दिन लगातार धरने को चलते हुए हो गए, लेकिन हमारे विधायक जी या कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ भी पूछने नहीं आया। कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आज तक देखने भी नहीं आया कि भाई तुम किस हालत में हो, क्या तुम्हारी मांग है, इस तरह की मांग करते हैं हम। हमारी केवल मांग यही है कि यहाँ पे रेल अंडरपास जल्द से जल्द बने, निर्माण हो जाए। अरविंद राय के दो पुत्र छठ पूजा वाले दिन एक रेल दुर्घटना में जो है शहीद हो गए, मैं तो उन्हें शहीद ही कहूँगा। क्यों ये मेरे बच्चे इस लक्सर की तुच्छी राजनीति के कारण ये मेरा बच्चा शहीद हुआ है, मेरे श्रमिक भाई का बच्चा शहीद हुआ है। अंडरपास आज से दो साल पहले बन जाता, लेकिन यहाँ की गंदी राजनीति ने इसको रोक रखा है, गुप्ता ने रुकवा रखा है यहाँ की तुच्छी राजनीति के चक्कर में।